Anil Kapoor in the house. Yeah. Unbelievable, sir. मैं बता नहीं सकते मैं कितने बड़े फैन हैं आपके. मैं आज बहुत कृतज्ञ है कि आज आप इधर आए. थोड़ा सांस ले लो. Hey, yeah. 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 Sir, आप रिक्स्तान का पूर्ति कीजिए ना. बैठ जाओ. ना मैं बैठेगी सर. बैठ जाइए सर. ये तो बैठता है, उठा नहीं जाता. फिर तू खड़ा है. कोई बात नहीं यार, मैं खड़ी रह सकती है. सर, मैं आपको बताना चाह रहे थे कि सौर्य मंडल है ना अपना, उसमें कुल मिला के 9 ग्रह होते हैं. तो उनको क्यों बता रहा है ये सब? एक एक को देख के मेरा जी के निकल गए यार. ये तरह ये शोल्डर क्यों झुका हुआ तरह? ये वेलकम के लिए अपना शोल्डर झुकाए थे. हाँ? आज इनका वेलकम के लिए मैं अपना शोल्डर झुकाए. Yes, sir. That's for you. लेकिन आप अजीब आदमी है ब्रो. क्या? आपको खाली झुका हुआ शोल्डर दिखाई दे रहे हैं. हाँ. एक शोल्डर उठा हुआ भी है, वो आप नहीं देख रहे. हाँ. ब्रो, सकारात्मक तमाता तापता देखो. What? 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 क्या? क्या यार होते है ना सकारात्मक तमाता कताता देखो. सकारात्मकता वो ही देखो. वो देखो. लेकिन ये अजीब आदमी है सर. ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक आदमी मेहनत कर रहा है उसका हौसला बढ़ाए, ये खाली नकारात्मकता तकता बढ़ा रहे हैं. क्या बढ़ा रहे? नकारात्मकता तका. नकारात्मकता. ओ अच्छा. नकारात्मक वो ही बढ़ा रहे हैं आदमी यार. वो मैन. लेकिन सर, आज आपका जन्मदिन है, उसका बो 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 शुभकामनाएं. सर मैं बहुत खुश है सर. मैं आपके लिए केक लाने वाले थे. अच्छा. लेकिन मैं केक ला ना पा सके. कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए केक लेके आएगी. आप खाली अपना बर्थडे को रोक के रखो. बर्थडे को कैसे रोक सकता मैं? अरे 40 साल से जवानी रोक के रखा है, बर्थडे क्या चीज है? हमें देखो सर, हमारा निमित मात्र टाइप का लोग, हम लोग बाथरूम में नहीं रोक पाते. ये 40 साल से जवानी रोक के ये सर. मैं आपके लिए केक लाएंगे. अच्छा. लेकिन एगलेस केक ना लाएंगे. क्यों? फिर कौन सा करेगा? मैं एजलेस केक लाएंगे. इनके लिए वही लगता है. मैं मजाक नहीं. अर्चना जी, आपको शायद पता नहीं है. क्या? हमारे घर पे पड़ोसी आके दही मांगते हैं, चीनी मांगते हैं. इनके घर पे भी पड़ोसी आके दही मांगते हैं, लेकिन इतना सुडोल नौजवान देख के रिश्ता मांग के चले जाते हैं. ये तो रिश्ते से इतना तंग आ गए कि सब लोग आके रिश्ता मांग रहे, रिश्ता मांग रहे, रिश्ता. इतना उब गए, इनको फाइनली एक फिल्म ऑफर हुए, रिश्ते ये मना कर दिए, मैंने करेंगे. लेकिन रिश्ते तो इन्होंने किए ना. वो तो घर के किश्तें बढ़ जाती है तो करने पड़ते हैं सभी. ये दिल की बात कही है तू भी. होते हैं सर, होते सबका लाइफ में चलते रहते हैं. लेकिन सर, आपके रिश्ते फिल्म में बच्चन साहब जो आपके बाप का रोल किए वो मेरे देख के बहुत अच्छे लगे. बच्चन साहब कहाँ रिश्ते में? नहीं नहीं है. तो क्यों बोलते रहते रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं? वो उनका डायलॉग है वो शहंशाह फिल्म में. तो रिश्ते का डायलॉग वो शहंशाह में क्यों बोल दिए? ये कभी अपने रिश्ते फिल्म में बोले कि शहंशाह में हम तुम्हारे बाप लगते हैं? बोले अनिल सर ने और इतनी अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, उनकी बात क्यों नहीं करता तू? सर, आई एम अ ह्यूज फैन. मैं आपका सारा फिल्म देखे है. सारा का सारा फिल्म, एक एक डायलॉग मेरे को जुबानी याद है सर. अच्छा. वैसे आपसे एक और बात जानना चाह रहे थे सर. कभी आप ऐसा पानी पूरी पापड़ी चाट खाने जाते हैं तो आप चाट वाले को क्या बोलते हैं? पापड़ी दे के झापड़ी के. ओए, एक तो तू किसी तोते के बूट पहन के आ गया है, ऊपर से फालतू बातें किए जा रहा, करने क्या है इधर? सर, मैं हॉलीवुड के लिए आपको साइन करने के लिए आए. आई एम फ्रॉम देयर, आई एम फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया. सो सर, फॉर हॉलीवुड आई वांट टू साइन यू. मेरा एक फिल्म का कॉन्सेप्ट है. मैं फिल्म का नाम रखे खा के खजूर तहलका मचाए अनिल कपूर. ये टाइटल है सर. फिल्म दो भाई का है, इट्स अनिल एंड सुनील. पर ये देखिए सर, मैं आपको अनिल का रोल के लिए नहीं लिया, आप फिल्म में सुनील है. अच्छा. और जो सुनील है वो एक्चुअली अनिल है. थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा पर मैं संभाल लेंगे, टेंशन मत लो. ठीक है, स्टोरी बताते हैं सर. फिल्म स्टार्ट होते है, न्यूयॉर्क में मेला लगे है. आप दोनों अपना माँ का हाथ पकड़ के मेले में जाते हैं. अचानक से माँ अपना उंगली ऐसा खींच लेते हैं और आप दोनों माँ से बिछड़ जाते हैं.
माँ ने उंगली क्यों खींची? वो कान में खुजली आया माँ को. तो माँ ऐसा कान में खुजली कर, मजा तो आते हैं यार. तो माँ कान में खुजली कर रहे, अचानक से उंगली टूट के गिर जाती है. उंगली कैसे गिर गई? उंगली नकली है ब्रो. आगे? आगे नहीं, पीछे. पीछे एक चाट पकौड़ी का स्टॉल है. अच्छा. दोनों भाई जाके चाट पकौड़ी खाने लगते हैं. अनिल है वो चाट खा रहा है. जो सुनील है वो पकौड़ी खा रहा है. लेकिन अनिल जो एक्चुअली अनिल नहीं है वो सुनील है, वो चाट खा रहा है. जो सुनील है वो अनिल है. आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. वेरी गुड सर, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं. कंफ्यूजन छोड़, जो बच्चे गुम हो गए उनको बोलना ना माँ को ढूंढे. नहीं, वो माँ को ढूंढ लेंगे तो माँ चाट पकौड़ी नहीं खाने देगी ना ब्रो. तो माँ को बोलो बच्चे ढूंढ ले. माँ तो उंगली ढूंढ रही है ना. ये कैसी माँ है जो मतलब बच्चे छोड़ के उंगली ढूंढ रही है? अगर उंगली नहीं मिलेगा तो बच्चे लोग को पकड़ाएगी क्या? बच्चे फिर खो जाएंगे ना. उंगली तो चाहिए. तो बच्चे तो माँ का पल्लू भी तो पकड़ के चल सकते हैं. ये फॉरेन का फिल्म है ब्रो, इधर पल्लू किधर बीच में आ गए यार. फॉरेन का किस माँ के पल्लू होते हैं यार, वहां तो उनका पति भी लल्लू होते हैं. पहले ये बता, माँ ने बच्चों को ढूंढा कि नहीं ढूंढा? माँ देखो पहला उंगली ढूंढ रहा था, उंगली नहीं मिला तो बच्चों को ढूंढा, फिर बच्चा मिल गया. फिर तो उंगली तो मिली नहीं, तो बच्चों ने पकड़ा क्या? फिर बच्चों ने पैर पकड़ा. माँ का? हाँ हाँ. तो माँ डांट रही है तो माँ का पैर पकड़ लिया बच्चों ने. अच्छा. वो लोग को ऐसा बुरा लग रहा है तो माँ का पैर पकड़ा. बाद में माँ ने पैर पकड़ा बच्चों का? नहीं, चाट पकौड़ी वाले का. उसका पैसा नहीं दिया ना. वो तो सब ठीक है. उंगली मिली? उंगली मिली, माँ को नहीं मिली. किसको मिली? बच्चों को भी नहीं मिली. किसको मिली? वो एक अलग ही आदमी को मिली. हाँ. जो हफ्ते में दो दिन जिसका शो आते है. और उसका शो में जितना भी एंट्री होते है सबका एंट्री में उसको उंगली करने का बहुत शौक है. वो उंगली पाके वो एक और उंगली मिला है उंगली करने के लिए, वो बहुत खुश है. कौन है ये आदमी? I don't know. आप जानते हैं? है कोई? Superb. Thank you, sir. लेकिन आप मेरे को बताइए कि आपको मेरा कहानी से कैसा वाइब्स आया? मतलब सकारात्मक मातामा वाइब्स आया कि नकारात्मक मातामा वाइब्स आया? नहीं नहीं, ये तो सुपर डुपर हिट पिक्चर है. सर आप करेंगे? 100% कर लिया, समझ लो. बस डन सर. मैं रेकी का तैयारी, मैं रेकी वेकी करता है, मैं फाइंड आउट करता है, लोकेशन हंट करता है, फिर मैं आपको कांटेक्ट करेंगे सर. हमको ये फिल्म करने है. 100%. ऑलराइट मैन, थैंक यू, हम करेंगे सर. मैं आएंगे वापस. थैंक यू सर, आई विल सी यू. ये ये. अच्छा अनिल सर, आप कभी कभी आते हो लेकिन आपकी बातें, आपका जिक्र हमेशा होता रहता है, चाहे आपकी फिटनेस को लेके, आपकी मोहब्बत को लेके. सब आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं. अभी आपके दोस्त आए थे थोड़े दिन पहले, मैं आपको दिखाता हूँ. अच्छा सर, आपने जैसे कहा कि जब हम दोनों इकट्ठे होते हैं, या आप दोनों, या आप और अनिल सर, या आप और अनिल सर, तो तीसरे आदमी की बुराई करते हैं. बुराई करते हैं? हाँ, मतलब इसमें सटल कोई सटलिटी नहीं होती है. टॉपिक यही होता है. तो आज आप दोनों हैं तो चाय लेंगे आप? नहीं, आज हम दो नहीं, आज हम तीन हैं. तीन है आज. अनिल की बुराई हाँ कर सकते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है. किसी तीसरे के साथ क्या समझता अपने आपको यार? बड़ी बॉडी शॉडी दिखाने लगा आज. हाँ है ना, ज्यादा डिमोरलाइज करने लगा है. मानना पड़ेगा. और अभी सर मैंने देखा जैसे मैंने अच्छा आपने बड़ा अच्छा बिच किया था उसके बारे में अपनी, उसने दौड़ने की डाली थी ना. हाँ हाँ हाँ. तो मैंने इसको कहा ये दौड़ स्लो रहा है, इसने स्पीड तेज की है. दोस्त ये जिगरी मेरे, दोस्त मेरे फादर के दोस्त है. फादर के? ये दोनों 10-15 साल मेरे से उम्र में बड़े हैं. इनकी खुश नसीबी है मैंने इनके साथ दोस्ती की. मैं आपको बता रहा हूँ किस्सा. मैंने एक वजह से एक का ट्रेलर दिखाया इनको दो दिन पहले. दोनों का मुंह इतना हो गया, टकले दोनों चलते हैं मेरे से. सर मैं आप एक और फोटो है आपकी हमारे पास, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. प्लीज हैव ए लुक. क्या बात है सर, ये चमत्कार कैसे हुआ सर? ये आपको पता है, इस पे भी टिप्पणी की आपके विशेष दोस्तों ने. मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ प्लीज. अच्छा एक चीज और, जैसे अनुपम सर और सतीश सर के कॉमन चीज क्या है? दोनों ग्रेट एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एनएसडी से हैं. और अनिल सर तीसरे इनके दोस्त. अच्छा उनके वहां वहां बाल हैं जहां जहां नहीं होने चाहिए. आपके जहाँ होने चाहिए मतलब साथ में. पर अभी अनुपम सर उन्होंने एक फोटो डाली, हाँ, हाँ, देखी वो? हाँ, हाँ, कहाँ गए बाल सर एकदम? वो कैसे होगा?
वो उसमें बहुत उनको तकलीफ उठानी पड़ी क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से तो नहीं निकले होंगे है ना, इसीलिए तेज दौड़ रहा था पीछे उनके फिर वो लगता है उनके साथ मुझे भी चाय पीनी पड़ेगी आपके साथ अब ये क्या आपके यार दोस्त हैं इतने पुराने तो बस ऐसे हंसी मजाक चल रहा था सर पर ये बात आज आपने नहीं बताई कि आपके पापा के दोस्त हैं पापा के दोस्त हैं फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़